बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशो खुशहाल और आबाद रहेंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं फिर काफ़ी अरसे के बाद आपके लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ, और इसमें दो तीन दिन के वाकयात हैं जो मैंने शूट कर लिए थे, तो उनको मैंने एक व्लॉग की शक्ल दे दी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। बेसिकली आई लव निटिंग, और यू कैन से दैट द निटिंग इज़ माई पैशन। तो ज़्यादातर तो मैं निटिंग ही करती हूँ, और निटिंग ही की वीडियोज़ में अपलोड भी करती हूँ, पर कभी कभार जस्ट फॉर अ चेंज मैं इस किस्म के व्लॉग्स भी बना लेती हूँ। और वैसे भी सर्दी का मौसम है, बल्कि सर्दी का पीक है, जनवरी का महीना सारे मुल्क में ही बहुत ठंडा है, तो उसमें तो ज़ाहिर है निटिंग की ज़रूरत भी होती है और निटिंग करने का मज़ा भी आता है। और पहले तो मैं असल में ये उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिन्हें निटिंग का शौक़ है, और दूसरा मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी ये वीडियोस बनाती हूँ, तो बिकॉज़ इट्स माय फेवरेट हॉबी। तो चलें फिर अब निटिंग के अलावा भी कुछ बात कर लेते हैं। आजकल के हालात तो ऐसे हैं कि आउटिंग और होटलिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मगर बच्चों की खुशी की खातिर कभी कभार कर लेते हैं। वैसे भी आजकल क्वेटा में विंटर वेकेशंस हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तकरीबन सारे ही बंद हैं, तो बच्चे भी बोर होते हैं। वरना गज़ा के हालात की वजह से दिल बहुत दुखी है। अल्लाह उन मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, आमीन। अल्लाह उनके हौसलों को ऐसे ही बुलंद रखे, और उन जैसा ईमान और अल्लाह पर भरोसा हम जैसे गुनाहगार मुसलमानों को भी दे, आमीन सुम आमीन। और अगर फ़लस्तीन और गज़ा को देखें तो वो एक और इशू है। अगर उन सब को छोड़ें अपने मुल्क में देखें, तो हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की सिचुएशन आप देखें, उसको भी तो देख के दिल बहुत घुटता है कि ये आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आता कि मतलब ये देखें, अब कुछ ये नहीं समझ आता कुछ कहें या खामोश रहें, क्योंकि कहने के बाद जो लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेस फेस की हैं, तो वो सब अजीब अजीब से वाकयात हम सब के मुशाहदे में आए हैं, आप सब ने भी देखा होगा, तो उनकी वजह से भी सब खामोश हैं, परेशान हैं, और बस कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि सब परेशान हैं, उदास हैं, सबके दिल दुखी हैं, और बस ऐसे हालात हैं कि और तो कुछ हमारे बस में नहीं है सिवाय दुआ के। तो दुआ तो हम करते हैं, आप सब भी करते होंगे, तो मगर ये है कि मैं ऐसे कभी कभार सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर सब अपनी अपनी जगह ख़ुद को दुरुस्त कर लें तो शायद कोई बेहतरी की सूरत नज़र आए। बस अल्लाह मियाँ से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे और इसके दुश्मनों को नीस्त और नाबूद कर दे, आमीन सुम आमीन।
ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर किसी स्वेटर के नए डिज़ाइन या कोई स्वेटर बनाने का तरीका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, और अगर हो सका तो कोई व्लॉग भी बना लूँगी। बहरहाल जो भी होगा वो चैनल पर आपको नज़र आ जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Oh,